कौन से उस पे करूँ, स्पाइडरमैन पे करूँ, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन हांची पुंची स्पाइडरमैन उंतरू फुंतरू हांची पुंची स्पाइडरमैन हुर्रे हालेलुया ताल लेकर आओ, मेरा गद्दा कहाँ है, ले आओ ले आओ। राखी जी राखी जी राखी जी यहाँ पे राखी जी राखी जी एक गाड़ी जान दो, मेरे को उस तरफ जाने दो, हटो उनको जाने दो। मैं बिग बॉस में जाऊंगी, बिग बॉस में ओटीटी में जाऊंगी, क्योंकि अंदर सब लोग का बहुत संतुलन जो है बस हो चुका है और देश की जनता को चाहती है कि मैं बिग बॉस में जाऊं और उनका एंटरटेन करूं और अंदर जो सब लोग ज्वालामुखी की तरह या फिर थोड़ा सा दूर तो हटो, हमारे कैमरे में चिपक जाऊंगी मैं, चिपकू 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 हमारे कैमरे में चिपकू। जाने तो सिक्योरिटी नहीं दे रहा, लेकिन मैं जाऊंगी अंदर, मैं जाऊंगी, वरना मैं यही में भूख हड़ताल कर दूंगी, आंदोलन कर दूंगी, मुझे जाने दो मेरा गद्दा। हाँ मुझे बिग बॉस में जाना है, मैं सबको मकड़ी के जाले में, पूरी मीडिया को, मैं तुम लोगों को मैं मकड़ी का जाला यहाँ पे फैला दूंगी। मुझे बिग बॉस में जाने दो, आप लोग मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे अंदर जाना है। मेरी सिस्टर है अंदर, जूली जूली मैं आ रही हूँ, बाथरूम में बंद है, यहाँ नहीं बैठ सकता, बाहर में आ जाइए। नहीं, गेट के सामने से तुम ये ले लो, प्रसाद ले लो बाबा जी, राखी राखी मैं तुम लोगों को गोल्ड दे दूंगी, मुझे अंदर जाने दो, ये सारा गोल्ड मेरा ले लो, लेकिन मुझे बिग बॉस ओटीटी में जाने दो। क्यों नहीं जाना चाहती है, मतलब क्या है वजह, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और मैं ही हूँ असली एंटरटेनमेंट। बिग बॉस ने मुझे वो सबसे नंबर वन एंटरटेनमेंट का सलमान जी ने सबने अवार्ड दिया है, और ये बिग बॉस ओटीटी शुरू हो गया है, मुझे अंदर जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, मुझे एंटरटेनमेंट करना है पूरे देश को। ओके राखी, रितेश के बारे में जानना चाहेंगे, वो जादू की तरह कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वो कौन है मैं नहीं जानती। ओके यहाँ पे मैं बिग बॉस के लिए आई हूँ, वो बात कीजिए। क्या कर रहा है बिग बॉस का, रितेश का जिक्र भी बिग बॉस के घर में ही हो चुका था लास्ट ईयर, और इस साल हम वही सवाल कर रहे हैं कि रितेश कहाँ गायब हो चुके हैं। बिग बॉस खुद ले आएंगे उनको। ओके बिग बॉस जानते हैं उनको, ले आएंगे। हमने जाना है कि आप कपिल शर्मा के बहुत बड़ी फैन हैं, तो उनका शो भी शुरू होने वाला है, क्या आप उनके शो में जाना पसंद करेंगी? बिग बॉस, बिग बॉस मुझे बुलाओ अंदर, बिग बॉस मैं तैयार होके आ गई हूँ, मुझे बुला लो बिग बॉस, मुझे बुला लो, मैं एक एक कंटेस्टेंट को ये पूरा गोल्ड दे दूंगी। ये असली है या नकली है? ये असली है सारा गोल्ड, मैंने सारी ज्वेलरी को, मैंने शॉप को लूट लिया है, शमिता शेट्टी को, प्रतीक को, सबको एक एक हार दूंगी ताकि वो मुझे नॉमिनेट ना करे। पर आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक मेरा भाई है, वो बहुत सही खेल रहा है अंदर, अब बिल्कुल सब बिल्कुल सही खेल रहा है वो अंदर, और कुछ लोग रो रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, मुझे नहीं पता है, अंदर कोई पिकनिक नहीं है, ये बिग बॉस ओटीटी का शो है राखी बप्पी, और बिल्कुल अंदर एंटरटेनमेंट लोगों को करना है। राखी बप्पी को कंपटीशन दे रही हैं आप कि क्या है ये? नहीं, ये गोल्ड मैं इसलिए इतना पहनकर आई हूँ, मैंने 2-4 ज्वेलरी शॉप लूट ली है ताकि मेरे अंदर मैं बिग बॉस ओटीटी में अंदर जाऊं और जितने भी कंटेस्टेंट उन सबको एक 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 इतना भारी भारी गोल्ड दे दूं ताकि वो मुझे कभी भी नॉमिनेट ना करे और मैं जीत के बाहर आऊं। तो ये आपका गेम प्लान है? यस, मेरी स्ट्रेटजी है ये मेरा गेम प्लान है, किसी को मत बोलना। कंटेस्टेंट तो बहुत है पर ये गोल्ड काफी नहीं है उनके लिए? ये काफी है, आधा आधा कर दूंगी ना, आधा आधा ले लेंगे, ये एक एक देखो कितने कितने तोले का है, कितने तोले का है, बहुत ज्यादा तोले का है ये, बहुत ज्यादा तोला है। बिग बॉस 24 कैरेट क्यों क्यों मैं बैठूंगी, मैं बैठूंगी, मैं अंदर जाऊंगी, बिग बॉस मुझे बुलाओ, मैं अंदर जाऊंगी, नहीं मैं अंदर जाऊंगी, नहीं हम लोग मैम को बुलाते, आप एक साइड में हो जाइए मैम।
राखी जी एक काम कीजिए, ये हार उनको ही दे दीजिए। अरे स्पाइडरमैन चल जाएगा, प्लीज अलाउ नहीं आप। मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, यहाँ पे बैठो राखी। हाँ, मैं जाऊंगी नहीं, मैं बिना खाए पिए फूट रहने दो, रहने दो, भूख हटा। नहीं नहीं नहीं, फूट रहने दो, फ्रूट रहने दो, मेरा बैग, मेरे कपड़े, मैं बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, हांची फुंची, स्पाइडरमैन, फुंतरू, फुंतरू, हांची फुंची, स्पाइडरमैन, हुर्रे, बिग बॉस मैं जाने दो। राखी आपको बुलाया गया है अंदर या आप अपनी मर्जी से जा रही हैं, क्या है क्योंकि आपको जाने दे नहीं रहे हैं? मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मुझे कौन रोक सकता है, कौन रोक सकता है मुझे? मुझे बिग बॉस में जब लास्ट 14 में थी, मुझे वादा किया था बिग बॉस ने, यस यस, और मैंने विश मांगी थी, तो मेरा वादा था, उन्होंने वादा किया था, मैंने विश मांगी थी कि बिग बॉस मुझ में विश मेरी पूरी करो, मैं हर साल बिग बॉस में आऊं। विश पूरी हो गई? हाँ, मैं आ गई ना इधर, ये मुझे नहीं लेंगे, क्यों नहीं लोगे मुझे, मैं सबका भस्म कर दूंगी, अपने जालों से तुम्हारे पे ऐसा जाला डालूंगी ना, राखी मैम पता चलेगा। अब जूली को बोल दो ना कि आपको जूली हां बोलिए, मुझे बिग बॉस में जाना है। मैम मत हंगामा कीजिए प्लीज। बैग में क्या लेके आ लो? हाँ, बैग में कपड़े, कपड़े, सोना, मेरा कपड़ा है बैग में, मुझे जाने दो। आप लोग सब मुझे मत सताओ, कोई मुझे मत सताओ। रोहित, बिग बॉस मुझे बुला लो, बिग बॉस मुझे अंदर जाना है, बिग बॉस अपना वादा पूरा कराओ कि राखी सावंत के नाम से बिग बॉस जाना जाता है। बिग बॉस आपने कहा था, मैं वहाँ सीजन वन में भी आई थी, मेरी आत्मा भटके की बिग बॉस मरने के बाद, मुझे अभी तक ट्रॉफी नहीं मिली है बिग बॉस, मुझे ट्रॉफी नहीं मिली है बिग बॉस, मैं ट्रॉफी लेकर ही जाऊंगी, मैं जीत के ही जाऊंगी। मैम आप तो देखिए, बिग बॉस ओटी, बिग बॉस ओटीटी से बंदर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि देखो, बुलाओ बुलाओ मेरे भाई बहनों को, बुलाओ बुलाओ उनको, हमारे में भी एक बंदर है। बिग बॉस, अरे बिग बॉस कोई टीम है क्या आपकी? बिग बॉस आप भेज दो मुझसे बात करने के लिए, बिग बॉस प्लीज, बिग बॉस। अरे सबके मास्क लगे हुए, कौन क्या है समझ में नहीं आ रहा है, जाना पड़ेगा अभी। आप कौन हो? हाँ आ गई मैडम, आ गई मैडम, आ गई मैडम, हम अंदर चल के बात करें। नहीं नहीं, आप यहाँ पर बात करते हैं। आप कौन है? आप बिग बॉस ने भेजा आपको? हाँ, बिग बॉस अभी किसी ने भेजा है? मुझे लेने आ गए, मुझे लेने आ गए, मुझे लेने आ गए, चलो चलो। लेकिन आपको अपना बैग ना पहले बाहर छोड़ना पड़ेगा। तो मैं अंदर क्या पहनूंगी? मेरा बैग नहीं। देखिए हमारे कुछ रूल्स हैं, हम आपको आपके बैग को सही सलामत अंदर भेज देंगे, लेकिन आपको बैग के बिना ही अंदर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, पहले आप मीडिया के सामने वादा करो कि हम, मैं अंदर जा रही हूँ, आप मुझे अंदर ओटीटी में, बिग बॉस ओटीटी में लेके जा रहे हो, मीडिया के सामने वादा करो, मास्क उतार के बोल दीजिए कि हम आएंगे वापस, लेकिन हम आपका बैग यहाँ पे रखते हैं और फिर हम पहले बात करते हैं, उसके बाद आपका बैग। नहीं नहीं, मेरे पास एक ही जांघिया है मेरा, स्पाइडरमैन का, उससे मांग के इसमें हम बात करेंगे, स्पाइडर से मांगा है मैम। आप अपना बैग यहाँ पे रख दें, फिर हम अंदर बात करते हैं, आप बोल दीजिए कि हम वापस आएंगे मीडिया, वापस पक्का पक्का एकदम प्रॉमिस। मीडिया आप लोग साक्षी हो, देखो मैं अंदर जा रही हूँ, लेकिन अगर मैं अंदर ऑडिट में चलती हूँ, मेरा बैग अंदर भिजवा दोगे? भिजवा देंगे। हाँ ठीक है,
बैग 90 दिन के बाद मिलेगा अपन अंदर हो गए ना, मैं फ्रूट देंगे आपको, फ्रूट खाना आप ले सकते हैं, फ्रूट आप ले जा लीजिए लेकिन बैग यहाँ पे छोड़ दीजिए। फ्रूट रोहित को दे दे, रोहित वालेगा बैग हमें दे दे। मुझे बिग बॉस में जाना है दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट करोगे ना, वोटिंग करोगे ना, ट्रॉफी जिताओगे ना। अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरी बैग संभालना, अपना बैग निकाल लीजिए एक बार। मैं जाके आती हूँ, ओके, बिग बॉस से बात करके आती हूँ, ओके, कैमरा नीचे, बाय बाय मैम। अरे हम लोग संभाल रहे बैग, मुझे वोट करना, मुझे पब्लिक मुझे जिताना प्लीज, मैं जा रही हूँ अंदर, मुझे वोट करना, ढेर सारा बिग बॉस ओटीटी में डाउनलोड कर लो मेरे लिए, बिग बॉस ओटीटी डाउनलोड कर लो, मैं आ रही हूँ बिग बॉस ओटीटी में डाउनलोड कर लो सब लोग। रघु जी जीत कर आना, मैं जीत के आऊंगी, आप लोग सब लोग सपोर्ट करेंगे। और ये सोना भी क्या, ये सोना सबको मैं अंदर दूंगी, सभी शमिता शेट्टी को, प्रतीक को, और कौन कौन है, बहुत सारे लोग हैं, हाँ बहुत सारे लोग हैं, उन सबको दूंगी ताकि कोई मुझे नॉमिनेट नहीं करेगा हम लोग, और मैं हर हफ्ते सुरक्षित रहूंगी। उन्होंने लेके नॉमिनेट कर दिया तो फिर क्या करेंगे, मुझे जाने दो, अरे मुझे जाने दो, अरे वो जाएंगे उल्टा पड़ जाए, मुझे बिग बॉस की जय हो, बिग बॉस की जय हो, बिग बॉस की जय हो, बिग बॉस की। चवन द्वार खुल गया, कर दो, चलो ले लो, फ्रूट ले लो, पीछे पीछे हट जाओ यहां से, रोहित भी आपके साथ रहेगा, देश की जनता आपके साथ है, पूछता है बाहर, पीछे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो भाई, बिग बॉस आपने वादा किया था, बिग बॉस, बिग बॉस मैं सबको अपने मकड़ी के जाल से सबको उड़ा दूंगी, बिग बॉस मैं अफगानिस्तान वाले को पहला उड़ा के लेके आएगा, बिग बॉस मुझे बुलाओ, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, सलमान सर को फोन किया जाए, तो मैं उल्टा, हाँ अब सीधा नहीं, अब उल्टा उल्टा। मैडम जी ये खाना मैं लेकर आया हूँ, पंकज मारवाड़ी, बिग बॉस ने मुझे वादा किया था, ये ले जा, ले ले भाई, ले भाई, बिग बॉस ने मुझे वादा किया था क्या मैं हर साल आ सकती हूँ, बिग बॉस ओटीटी स्टार्ट हो गया और मैं यही हूँ, मैं इतना सारा गोल्ड पहन के आई हूँ, इसलिए मैं दो चार ज्वेलरी शॉप मैंने लूट ली है। अरे बाप, ये पार्किंग है, यहाँ पे नहीं बैठ सकते, गेट के सामने बैठ, प्लीज गेट के सामने आ जाइए, गेट के सामने आ जाओ।